साइबर अपराध को रोकने तथा लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए मेवात पुलिस ने पहली बार बड़े स्तर पर अक्टूबर माह में चलाए जा रहे अभियान में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया। राहगिरी कार्यक्रम के आयोजन में अजय कुमार उपायुक्त नुह को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने हरियाणवी रॉक स्टार व राहगिरी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र इत्यादि देकर सम्मानित किया है। खास बात यह रही कि हरियाणवी रॉक स्टार एमटी तथा सुभाष फौजी ने अपने सरोस के जादू से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों ही हरियाणवी कलाकारों ने कई हरियाणवी गीत गाकर लोगों को पूरी तरह से तनाव मुक्त करने का काम किया है। इसके अलावा क्षेत्र के लोगों को साइबर क्राइम के बारे में बचाने के लिए पुलिस कप्तान वरुण सिंगला तथा उपायुक्त अजय कुमार नुह ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि अक्टूबर माह में स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस पूरे महीने हर सप्ताह में बुधवार को बड़ा आयोजन किया जाता है। इस बड़े आयोजन में हरियाणवी कलाकारों तथा उपायुक्त अजय कुमार नुह ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके अलावा बड़ी संख्या में शहर में लोग राहगिरी कार्यक्रम में जुटे और न केवल अधिकारियों की बात को गंभीरता से सुना बल्कि हरियाणवी रॉक स्टार के गीतों पर भी लोगों ने खूब जमकर लुत्फ़ उठाया। बता दें कि साइबर जागरूक माह के रूप में अक्टूबर माह को मनाया जा रहा है। आगामी 30 अक्टूबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। इसमें सबसे खास बात तो यह कि साइबर क्राइम के लिए 1930 जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि ठगी इत्यादि की सूरत में लोग 1930 पर डायल कर तत्काल मदद ले सकें और साइबर क्राइम से बचा जा सके। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणवी जो कलाकार हैं, बड़े गायक हैं, उन्होंने भाग लिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हरियाणा पुलिस के द्वारा एक महीने का साइबर जागरूकता मंथ जो है वो हम इसके रूप में बना रहे हैं, जिसमें हम सभी जनवासियों को साइबर अवेयरनेस, साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए उस संबंध में हम उनको अवेयर कर रहे हैं। तो उस संबंध में 4 इवेंट हर बुधवार को एक इवेंट, बड़ा इवेंट किया जा रहा है और बाकी दिनों में कुछ छोटे इवेंट्स करके और पूरे मंथ भर ये कैंपेन चलाई जा रही है। इसी क्रम में 12 तारीख को, आज बुधवार को, हमने एक साइबर राहगिरी प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसके अंदर भारी मात्रा में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के लोकल स्कूल्स के, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया एवं जो हरियाणवी गीतकार हैं हमारे सुभाष फौजी हैं और एमडी हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की और हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गायकों के माध्यम से हेल्पलाइन जो साइबर फ्रॉड की 1930 है, 1930, उसका प्रचार किया है और साइबर फ्रॉड्स के बारे में बच्चों को एवं जितने भी वहाँ पर मौजूद पार्टिसिपेंट्स थे उन सभी को इसके विषय में हमने अवगत कराया है कि किस प्रकार से साइबर फ्रॉड से बचा जाए एवं अगर साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके अपने पैसे को बचाया जा सके। तो डीसी नुह जो हैं श्री अजय कुमार जी, वो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद रहे एवं डीसी साहब के द्वारा वहाँ पर जिन्होंने भी जो प्रतिभागी थे उन सभी को अपने अपने जो प्रशंसा पत्र के साथ उनका आभार व्यक्त किया एवं प्रोग्राम में सभी पार्टिसिपेंट्स को साइबर अवेयरनेस के संबंध में उन्होंने अपने कुछ टिप्स दी। मैं चाहूँगा प्रशासन का, पुलिस प्रशासन के साथ का, जो इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, आज राहगिरी हुई है, एक जागरूकता, एक संदेश भेजा है सभी से कि 1930 पे कॉल करें और क्राइम को जो भी जितने भी वो हो, आपके फेक कॉल हो वहाँ पर कंप्लेन करें। और आज का कार्यक्रम जागरूकता था, बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम था ये और बच्चों ने बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ पे मेरा गाना सभी ने सुना और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि मेवात में आज इतने लोग इकट्ठा किए हैं, प्रशासन है और सैल्यूट है। और बच्चे बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि देश से, देश से, बच्चों ने बहुत ही, जैसे मैं परफॉर्म कर रहा था बच्चे मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो
एक नशा के खिलाफ स्टार्ट किया था 2019 में साइकिल यात्रा की थी, जिससे मैंने 1700 किलोमीटर गवर्नमेंट ये एक प्रोग्राम था, तो 1700 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है पूरे हरियाणा पहुँच गया, मेवात जिले में भी मैं ताउडू में, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज था कि मैं सभी के हर हर एक कॉलेज में नुक्कड़ पे वहाँ जाके एक ही मैसेज देता था कि ना नशा करेंगे ना करना, और काफ़ी मैसेज आए काफ़ी लोगों की, हमारे पास परिवार में कोई नशा नहीं करते, सक्सेस हुआ हमारे कार्यक्रम। सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों, और बहुत अच्छा एक पहल है ये राजनीति जो है सीधा सीधा जनता और पुलिस के बीच में एक संपर्क बनाने का एक काम करती है, और इसमें जो आज मैसेज दिया गया है जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट मैसेज जो बताने की कोशिश की गई लोगों को जागरूक करने की, अपने आप को ठगी से बचाना है और अपने यार दोस्तों को भी जागरूक करना है, हर जो जो यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं जितने भी यहाँ दर्शक पहुँचे हैं सबको बताया गया है कि भाई अपने साथ में खुद ने तो जागरूक होना है, 15-20 और लोगों को भी जागरूक करना है, ये मैसेज यहाँ से दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा मैसेज था। उसके साथ साथ ड्रग्स के अगेंस्ट भी एक गाना मैंने किया था, हमारा हरियाणा नशा है बचा के राखियो ना यो चिट्टा खा जाए ना काली नागनी, तो कहीं ना कहीं हम रागरी से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और हर जिले में ये रागरी का प्रोग्राम होता रहता है, और हम अपना वहाँ पर मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है।